नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर केएमडी कॉलेज प्रवक्ता। आज मैं स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यह सब्जेक्ट बीए पार्ट वन का है, जो कि अभी वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनको क्लास में हमने बता दिया है, फिर भी हम चाहते हैं कि यह लॉकडाउन में घर में रहकर अच्छी तैयारी करें, ताकि इनकी तैयारी बढ़िया हो सके। तो आइए जानते हैं स्वतंत्रता के विषय में। मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहते हैं? सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें, तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति परंतु समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाएं, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएँ हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थिति प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों के विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएँ होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज के आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम इस चर्चा पर विचार करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप यह सीख पाएंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। तो आइए हम पहले चलते हैं कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। स्वतंत्रता सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसे मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। हॉब्स ने इसे अर्थात जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। बार्कर के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा और तर्क संगम बंधन होता है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान चू आदि व्यक्तियों ने शासन के भेदभाव, शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया।
स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। इसके समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ ए हायक। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें पहला, नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके। दूसरा, यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति इसका मूल आधार है। इसके समर्थक हैं टी एच ग्रीन और प्रोफेसर बल्ली। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व एवं बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। यह प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकारें कानूनों द्वारा लगा सकती हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था या सामाजिक असमानता भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है। अत्यधिक आर्थिक समानता भी प्रतिबंध का एक स्रोत हो सकती है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस बारे में हम ये बता सकते हैं कि मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने एवं जीने के अपने तरीके विकसित करने, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। हानि सिद्धांत जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में जिस मुद्दे को उठाया है, राजनीति सिद्धांत में उसे हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है या किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में हम आपको बताते हैं। स्वतंत्रता मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इन सब स्वतंत्रता का व्याख्या यदि हम करते हैं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपको भर देता हूँ। इसमें आप यदि नोट्स लिखते हैं तो इसकी व्याख्या खुद कर लें। अब मैं इसकी अवधारणाएं के बारे में बताता हूँ। स्वतंत्रता की मुख्यतः 2 अवधारणाएं हैं, उदारवादी अवधारणा और समाजवादी अवधारणा या फिर मार्क्सवादी अवधारणाएं। मैं पहली अवधारणाओं के बारे में बताता हूँ। उदारवादी अवधारणा के अनुसार ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। सकारात्मक उदारवादी जैसे हॉब्स, लॉक और लॉस की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। वहीं मार्क्सवादी, इनके अनुसार मार्क्सवादी सामाजिक जीवन के ढांचे को उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व देते हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उसके हित विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती है, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। अब अवधारणा के बाद हम स्वतंत्रता के संबंधित जेएस मिल के विचारों की यहाँ चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने निबंध ऑन लिबर्टी
में व्यक्ति के कार्यों की स्वतंत्रता के दो रूपों में बांटा है। पहला स्वसंबंध कार्य और दूसरा परसंबंध कार्य। स्वसंबंध कार्य वे कार्य जिसके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। इन कार्यों एवं निर्णयों के मामले में राज्य या बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं परसंबंधी कार्य वे कार्य जिनका प्रभाव केवल कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी पड़ता है। ऐसे कार्य जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर राज्य बाहरी प्रतिबंध लगा सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा कैसे हो सकती है, उसके कुछ उपाय बताए गए हैं। जैसे लोकतांत्रिक शासन हो, मौलिक अधिकार होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तिशाली विरोधी दल, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, विशेषाधिकार का ना होना, जनमत जागरूक जनमत का होना सबसे बड़ी स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय हैं। तो मैं ये समझूंगा कि इस नोट्स को या इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वतंत्रता की व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसकी पूरी सरसरी निगाह में बता दे सकता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या सुना और समझा। सबसे पहले हमने स्वतंत्रता की भूमिका के बारे में बताया, उसके बाद स्वतंत्रता क्या है, इसके बाद स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार, नकारात्मक स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्रता के प्रकार, इसके बाद फिर स्वतंत्रता की अवधारणाएं, जो दो अवधारणाएं बताई गई, उदारवादी और समाजवादी अवधारणा। बाद में फिर हम लोगों ने देखा जेएस मिल के विचार, जो कि इन्होंने स्वतंत्रता व्यक्ति के कार्य को उन्होंने दो भागों में बांटा था, और लास्ट में हमने स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को यदि देखा होगा या देख रहे हैं तो स्वतंत्रता के बारे में अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसका फ़ायदा उठाएं और इस लॉकडाउन में इस समय का उपयोग करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये व्यवस्था की है कि हमारे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमारे विद्वान प्रोफेसरों द्वारा, टीचरों द्वारा अलग अलग विषय में, अलग अलग टॉपिक पर नोट्स दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। सोशल मीडिया के दौर में आज हम अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और इस लॉकडाउन में शिक्षा व्यवस्था के व्यू बदल सकते हैं। आप इसका उपयोग करें और अच्छा समय का सदुपयोग करते हुए नॉलेज को बढ़ाएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।